बिहार के रास्ते रेलवे एक नई सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन शुरू करेगी जो कि गुवाहाटी से राजस्थान के लिए चलेगी। इस अपडेट के माध्यम से बात करेंगे इस ट्रेन के डिटेल्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को, उससे पहले हमारे इस चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब। भारतीय रेलवे की तरफ से एक नई सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से राजस्थान के श्री गंगानगर रेलवे स्टेशन के लिए चलाई जाएगी। ट्रेन नंबर 05636 के साथ यह ट्रेन गुवाहाटी से श्री गंगानगर के लिए रवाना होगी और इस ट्रेन की शुरुआत अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह से शुरू हो रही है। 2 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर तक यह ट्रेन चलेगी और इस ट्रेन का जो सुविधा रेलवे की तरफ से दिया गया है, यह ट्रेन वाया बिहार के रास्ते चलेगी। बिहार के कटिहार रेलवे स्टेशन, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा, हाजीपुर और सिवान में इसका स्टॉपेज रहेगा। इस ट्रेन के टाइमिंग डिटेल्स की बात करें तो यह ट्रेन गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से ट्रेन नंबर 05636 के साथ 6:15 पर शाम में प्रस्थान करेगी और यहां से खुलने के बाद कामाख्या जंक्शन होते हुए गोलपाड़ा टाउन पहुंचेगी। इसके बाद यह ट्रेन अलीपुरद्वार, नई जलपाईगुड़ी, किशनगंज, बरसोई होते हुए कटिहार रेलवे स्टेशन 7:20 पर सुबह में दूसरे दिन आएगी। यहाँ से खुलने के बाद यह ट्रेन नौगछिया, खगड़िया, बेगूसराय, बरौनी, समस्तीपुर होते हुए मुजफ्फरपुर 12:45 पर दोपहर में पहुँचेगी, जिसके बाद यह ट्रेन हाजीपुर, छपरा, सिवान के रास्ते देवरिया सदर होते हुए 2665 किलोमीटर का सफ़र तय करके श्री गंगानगर, जो कि राजस्थान के प्रमुख रेलवे स्टेशनों में से एक है, यहाँ के लिए 3:30 पर अपना गंतव्य पूरा करके पहुँच जाएगी तीसरे दिन। ऐसे में इस ट्रेन का बुकिंग चालू हो चुका है और यात्रा करने से पहले से ट्रेन का कंफर्म टिकट अवश्य ले लें। बिहार के रास्ते यह एक लंबी दूरी की सुपरफास्ट ट्रेन है जिसका सुविधा यात्रियों को मिलेगा। इस वीडियो को शेयर करें और नई ट्रेनों के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब।